लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, मर जाऊंगी मैं। तो जाओ मरो, मुझे तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, अब जरूरत पूरी हो गई। भगवान के लिए किसी दूसरे लड़के को ढूंढ लो और मुझे बख्श दो। विकी, तुझे तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे, पर उससे पहले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आकाश, तू कौन होता है हमारे बीच बोलने वाला? स्नेहा मेरी बहन लगती है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले को मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। क्या कर लेगा तू? हाँ कुछ नहीं, तुझे बस सेक्शन 375 के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। सेक्शन 375 यानी कि रेप? हाँ ठीक समझा, रेप। तुझे क्या लगता है, तू किसी लड़की की जिंदगी यूं बर्बाद कर देगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा? हाँ पर आकाश प्लीज यार, मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर तू स्नेहा से शादी नहीं कर सकता तो उसके साथ प्यार का नाटक क्यों किया था? और फिजिकल रिलेशन, सीरियसली? ओ गॉड, गलती हो गई मुझसे, स्नेहा प्लीज माफ कर दो। माफी तुझे तब मिलेगी जब तू स्नेहा से शादी करने तैयार हो जाएगा। अब जा यहां से, 10 दिन का टाइम देता हूं, शादी की डेट डिसाइड कर लेना, नहीं तो हम पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। आकाश, मैं विकी से बहुत प्यार करती हूँ, उसे छोड़ के नहीं जी सकती। पता है स्नेहा, सब पता है मुझे, तू चिंता मत कर, विकी की शादी तेरे साथ होकर ही रहेगी, ये मेरा वादा है, तू चल मेरे साथ। वाव, आकाश भैया तो सच में एक हीरो निकले। उस दिन अनाथ आश्रम में इतना सब कुछ बच्चों में बांट रहे थे और आज इस लड़की की जिंदगी बचा दी। काश मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होता। हाँ सोनी, मैं इन्हें बहुत गलत समझती थी, पर ये तो हीरा निकले। वाह, लड़का होता ऐसा। देविका, एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में मन नहीं करता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो, तुम उसके साथ बात करो, अपना दुख सुख शेयर करो, कभी कभार बाहर घूमने जाओ? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हाँ, अगर कोई लड़का मिल गया और सब कुछ अपने आप होता गया तो ठीक है, मैं तो अपने से चल के कोई एफर्ट नहीं लेने वाली, यू नो इट शुड बी स्पॉन्टेनियस। हाँ पर अगर तुम किसी को अपने लाइफ में आने ही नहीं दोगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? अरे सोनी, असल बात यह है कि मुझे अगर किसी से प्यार होता है तो उसी के साथ ही शादी करनी है मुझे। ये बॉयफ्रेंड बार बार चेंज करना या फिर किसी से प्यार, किसी और से शादी, ये सब नहीं होगा मुझसे। मैं बस सिंपल सी लाइफ जीना चाहती हूँ। तब तो मैं कहूंगी कि आकाश भैया ही तुम्हारे लिए बेस्ट हैं। क्या कहती हो? हाँ, शोभित ही देविका के लिए बेस्ट है। लड़का पढ़ाई में होनहार था और अब मलेशिया में नौकरी करता है। मैं तो कहूंगा कि देविका की पढ़ाई रहने देते हैं और जल्दी उसकी शादी शोभित के साथ करवा देते हैं। पर पढ़ाई को बीच में बंद करके शादी करवा देना क्या सही रहेगा? नहीं, उसे पढ़ाई कंप्लीट करने दीजिए। पर तब तक अगर ये लड़का किसी और से शादी कर ली तो? तो ठीक है, जाने दीजिए इसे। हमारी देविका इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, उसे तो एक से बढ़ के एक अच्छा रिश्ता मिलेगा। फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? ना, मैं हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। इस लड़के को और उसके परिवार को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो कभी किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं होने देंगे। देविका जिंदगी भर खुश रहेगी इस लड़के के साथ। देखिए, मैं देविका को इस लड़के के बारे में बता दूंगी और पढ़ाई खत्म होते ही उसकी शादी इसके साथ कर दी जाएगी, ये भी अच्छे से समझा दूंगी।
आप बस उसे और 2 साल दे दीजिए ताकि वो अपनी पढ़ाई खत्म कर ले। अच्छा ठीक है, समझा देना उसे, मुझे वहाँ पे पढ़ाई के चक्कर में कोई अफेयर वफेयर नहीं चाहिए। याद रखना तुम भी और तुम्हारी वो लाडली बेटी भी। माँ, पापा हमेशा दीदी की पढ़ाई को लेकर इतना क्यों सुनाते रहते हैं? और शादी अभी से क्यों? उसे कुछ बनने तो दीजिए पहले, फिर शादी कर लेगी वो। लतिका, तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी है हर काम में, पर पापा भी गलत नहीं है। एक्चुअली उनके इतनी डरने की वजह उनकी इकलौती बहन वसुधा है। पापा की बहन भी है? कहाँ है वो? अब वो नहीं रही, इसी पढ़ाई के चक्कर में घर से दूर रहने दिए थे उसे तुम्हारे पापा। जितना पैसा मांगती थी उसे सब कुछ देते थे, पर आखिर में वो किसी से प्यार करके उसके साथ भाग गई, और वो भी पापा को बिना बताए। और 2 साल बाद उसके ससुराल से खबर आई कि वो खुदकुशी कर ली है। पापा को तो जैसे सदमा लग गया। खुदकुशी? मगर क्यों? हाँ, वो अपने पति के साथ खुश नहीं थी। बहुत सिंपल लड़की थी, बहुत इनोसेंट। उसे तो वो लड़के ने फंसा लिया था, इसीलिए पापा डरते हैं कि कहीं देविका के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। माँ, वो सब तो ठीक है, पर प्यार व्यार तो सब किस्मत का खेल होता है ना, किसी के हाथ में ये नहीं होता। जब जिसके साथ होना हो जाता है। ऐसा मैं नहीं, मेरे सारे दोस्त कहते हैं। माँ, तू बड़ा मुझे ज्ञान दे रही है, वो भी प्यार के बारे में। लगता है तेरी शादी दीदी से पहले करनी पड़ेगी। ओ नहीं नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मैं चली अपना प्रोजेक्ट बनाने। अरे यार, प्रोजेक्ट्स तो बनते ही रहेंगे, अब चल बाहर कहीं डिनर करने चलते हैं। क्या बात है, आज अचानक से डिनर का प्लान? तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? कोई नया बॉयफ्रेंड बना ली क्या तुमने? अरे नहीं बाबा, तुम चलो तो सही, मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें इनवाइट किया है क्योंकि आज हमारा सेकंड लव एनिवर्सरी है। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। देविका ज्यादा कुछ पूछे बिना सोनी के साथ डिनर करने चली गई, और रेस्टोरेंट में देविका का बॉयफ्रेंड, देविका और सोनी तीनों एक साथ डिनर करने बैठे थे कि तभी अचानक से आकाश वहां पे आकर पहुंचता है। हे बड़ी, तू यहां पे? आकाश, तू बता तू यहां पे कैसे? मैं तो ऐसे ही डिनर करने आया था, तो फिर आजा हमारे साथ ही कर ले। तभी आकाश की नजर पड़ती है देविका के ऊपर, और वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं यार, तेरे साथ तो ये दोनों हैं, शायद मेरे वजह से कंफर्टेबल नहीं होंगे, मैं अकेले मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। देविका, आकाश भैया तुम्हारी वजह से चले जाने को बोल रहे हैं, उन्हें रोको ना प्लीज। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। चारों बड़े मजे से डिनर खत्म करके थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने निकले। देविका तो अपने लाइफ में कभी भी नाइट लाइफ नहीं देखी थी, अब इतने अच्छे शहर में दोस्तों के साथ घूमने का मजा ही कुछ अलग था। उसे क्या, किसी को भी अच्छा लगेगा। अब धीरे धीरे आकाश भी देविका के साथ बात करना शुरू कर दिया था। अब देविका ये मानने लगी थी कि आकाश एक बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ बात करने में या फिर आगे कुछ रिलेशन बन भी जाए तो कोई गलती नहीं होगा। आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं भला? क्या देविका माँ पापा के पसंद किए हुए मलेशिया वाले प्रपोजल में शादी करने को तैयार हो जाएगी, या फिर आकाश उसे सच में पटा लेगा? जानने के लिए देखते रहिए प्यार और किस्मत का अगला एपिसोड सिर्फ लव लॉजिक्स पर। सी यू सून।